शौचालय बहुत गंदा था, कोई भी जाता था उसी तरह छोड़ देता था करके। अच्छा, गंदा करके छोड़ देता था उसी तरह। हमारे दोस्त का एक आदमी का उल्टी हुआ था और एक आदमी का माथा दर्द कर रहा था, फीवर हुआ था, हमको भी फीवर हुआ था। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। अभी मैं गांधी मैदान में हूं और यहां पर बिहार दिवस को लेकर के पिछले दो दिनों से काफी भीड़ भाड़ है। और अभी खबर है दैनिक भास्कर का कि फूड प्वाइजनिंग को लेकर के लगभग 150 बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। ये अभी थोड़ी देर पहले की खबर है। और अभी बता दूं कि मैं यहां पर हूं और यहीं पर जो है जो बच्चे का प्राथमिक उपचार चल रहा है, ये जो प्रशासनिक भवन है यहीं पर जो है बच्चे को, लगभग 150 बच्चे को फूड प्वाइजनिंग हुआ है। उसमें से बहुत सारे बच्चों को तो ये PMCH जो कि पटना का PMCH है वहाँ पे एडमिट कराया गया है और कुछ बच्चों का प्राथमिक उपचार यहाँ पे किया जा रहा है। पहला बता दूं कि लगभग 150 बच्चों की तबीयत खराब होने की खबर है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ पे प्राथमिक उपचार जहाँ पे चल रहा था वहाँ पे मैं गया तो वहाँ लगभग 3 बच्चों का इलाज चल रहा था और यहाँ पे एक बच्चों को उल्टी भी हो रही थी। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि एक बच्ची जो है वो उल्टी करती नजर आ रही थी और साफ साफ दिख रहा था कि खाने की क्वालिटी का शिकायत को लेकर शिकायत थी कि खाने की क्वालिटी ठीक नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, इस वजह से जो है फूड प्वाइजनिंग हुआ है। और बता दूं कि काफ़ी तेज़ धूप है, गर्मी काफ़ी है, इस वजह से भी जो है बच्चों की तबीयत खराब होने की आशंका जताई जा रही थी। इसको लेकर के मैं बता दूं कि खाने को लेकर के जो तैयारियां थी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत चूक हुई है, खाने की क्वालिटी नहीं सही रहने की वजह से बच्चों को फूड प्वाइजनिंग हुई है। मैंने कुछ लोग बच्चों से भी बात की, पहले आप वो वीडियो देखिए। कल बाबू शाम में खाना खाए थे जी, क्या खाए थे? हम खाना नहीं खाए पर हम नाश्ता किए थे, गाजा और नमकीन टाइप में था वो। अच्छा, और तुम्हारे फ्रेंड्स लोग खाए थे? हाँ, हमारे फ्रेंड्स खाए थे। कौन से स्टॉल से? पूर्वी चंपारण के। पूर्वी चंपारण? कितने बच्चे पूर्वी चंपारण के स्टॉल से खाए थे? लगभग 30। 30 में से कितने बच्चों का तबीयत? हमारे टीम का 30 है और किलकारी सब के बच्चे वो अलग है उनका। आपकी टीम के 30 है तो 30 बच्चों में से कितने बच्चों का तबीयत खराब हुआ? 25 लगभग। 25 जी। और रात में खाने में क्या मिला था, कुछ पता है आपको? हाँ, खाने में चावल दाल सब्जी था, पापड़ ये सब था। पापड़ नहीं था, चावल दाल नहीं, वो सब ताजा था। यस, हम लोग, हमारे दोस्त का एक आदमी का उल्टी हुआ था और एक आदमी का माथा दर्द कर रहा था, फीवर हुआ था, हमको भी फीवर हुआ था। खाने के बाद से ये सब प्रॉब्लम आने लगा? हाँ, खाने के बाद से सुबह जो है 4-5 बजे उस समय प्रॉब्लम आई है। और पानी की क्या व्यवस्था आप लोगों को? पानी क्या बिस्लरी का पानी मिलता है या फिर वाटर टैंक का पानी मिलता है? एक जगह तो हम देखे थे कि वो जो टैंकर आ रहा है रोड पर पानी गिरा रहा है उसी में से पानी भर भर के और पिलाया जा रहा है। अच्छा, जो मतलब टैंकर आ रहा है रोड पे पानी गिरा है उसी से। और हम एक जगह जो देखे थे तो वहाँ पे प्यूरिफाइड पानी आ रहा है तो वहाँ से हम पानी भर के ले गए थे हम। अच्छा, बस केवल। आप जैसे सुबह वॉशरूम जाने का क्या व्यवस्था है, वॉशरूम आप लोग कहाँ जाते हैं? वो तो बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत चीफ है। BNS कॉलेज हम लोग में थे उसी में। अच्छा, हम लोग का वास्ता 3 दिन का। हाँ, तो शौचालय बहुत गंदा था, कोई भी जाता था उसी तरह छोड़ देता था करके। अच्छा, गंदा करके छोड़ देता था उसी तरह। तो आप लोग जो आप लोग का मैनेजमेंट देख रहे हैं, आप लोगों को नहीं बोले कि हाँ सर शौचालय गंदा है या फिर खाना हमको अच्छा नहीं मिल रहा है, पानी अच्छा नहीं मिल रहा है? हम नहीं जानते मेन मैनेजमेंट कौन है, हम यहाँ पे नहीं अच्छा, जानते। अच्छा, मतलब आपके टीम का जो भी पूर्वी चंपारण के जो होंगे उनके बारे में तो आपको पता होगा ना? जी जी। तो आप लोग उनसे शिकायत नहीं किए? हम लोग सर से अपने बोले। हाँ, सर तो उन लोग से बोले होंगे, हम नहीं जानते किससे बोले सर। तो आप कहाँ से आए हैं? पूर्वी चंपारण से। मनस्वी कुमार, 8th क्लास में पढ़ते। परेशानी तो हुई है सर, अभी उनको फीवर था। क्या क्या खाया था खाने में? वही चावल दाल सब्जी। अच्छा, पूरी। कैसा है खाना कैसा है सर आप? खाना हा? अच्छा ही था, स्वाद अच्छा था। और खाने, अभी तो आपने बताया कि खाने की क्वालिटी अच्छा नहीं था। हाँ, खाना का क्वालिटी अच्छा नहीं था। ये क्वालिटी क्या क्या दिक्कत था उसमें? अब ये तो नहीं था, मैंने नहीं खाया था। अच्छा, तो रात में आप नहीं खाए थे? सुबह में? सुबह में भी नहीं। तो आप कैसे, अभी तो कुछ नहीं खाए? खाए हैं। कहाँ से आए हो? मधेपुरा से। आप लोग स्कूल की तरफ से आए थे? हाँ। क्या, कौन से स्कूल की तरफ से? आदर्श मध्य विद्यालय। कौन, क्या नाम है तुम्हारा? मोहित कुमार। परफॉर्मेंस क्या था आप लोगों का? हाँ, क्या कुछ परफॉर्मेंस था? संगीत। किसका? संगीत का। संगीत का था। तो आप लोगों के जो साथ में बच्चे लोग थे उसको वॉमिट वगैरह भी हुआ है? हाँ। कितने बच्चों को हुआ है? मेरे फ्रेंड्स और तीन थे। तो अभी फिलहाल ठीक है? हाँ, फिलहाल ठीक है। ये खाना खाने के बाद हुआ कि उससे पहले हुआ? खाना खाने के बाद।
बाथरूम वगैरह है? बाथरूम वगैरह है, साफ सफाई मिलता है? तो आपने देखा बच्चों ने सीधे कहा कि मेरे दो तीन दोस्त को फूड पॉइजनिंग हुई है और उसके संपर्क में, और उन्होंने कहा कि खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है और यहाँ पे मैं प्राथमिक उपचार जहाँ पे किया जा रहा है बच्चों को वहाँ पे मैं हूँ। और मैं आपको अंदर की तस्वीरें तो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से यहाँ का जो अलग यहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं जो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इस तरह की जो दिक्कतें आ रही है इसको कैसे खत्म किया जाए, इसको कैसे जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। क्योंकि यहाँ पर बता दूँ कि गांधी मैदान में काफ़ी तेज़ धूप है और गर्मी काफ़ी तेज़ है और यहाँ पर बिहार दिवस को लेकर के पिछले दो दिनों से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद लगातार जश्न मनाया जा रहा है, एक उत्सव का माहौल है और यहाँ पे देखने को मिला है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को है और काफ़ी भीड़ भाड़ रहा है। मैं बता दूं कि दिन अभी सुबह लगभग दोपहर को है और दोपहर में अभी जो है बच्चों की शिकायत आई है कि लगभग 150 बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है, उनमें से कुछ बच्चों को जो है PMCH भर्ती कराया गया और यहाँ पे कुछ बच्चों का इलाज चल रहा है। मैं आपको वहाँ से भी वीडियो दिखाता हूँ कि फूड पॉइजनिंग का कारण क्या है, जहाँ पे बच्चे खाना खाए हैं, जहाँ पे बच्चे का शौचालय है वहाँ का क्या व्यवस्था है, मैं अगले वीडियो में मैं साथ में दिखाता हूँ। तब तक बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।